स्पेशल डीजे लक्ष्मण यार। हेलो फ्रेंड्स, तो आज आ गए हम फिर से न्यू वीडियो के साथ में। तो आज का वीडियो बहुत ही धमाकेदार होने वाला है। वीडियो पर भी आपने शुरुआत में देखा ही होगा, तो वैसा वीडियो कैसे बनाते हैं वो बताएंगे आज हम। तो ऐसा वीडियो बनाने के लिए आपको एक एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगा जिसका नाम है लाइट मोशन, जो कि आप प्ले स्टोर से भी आसानी से डाउनलोड कर सकते हो और टेलीग्राम चैनल के अंदर भी आपको एपीके मिल जाएगा, वहाँ से भी आसानी से डाउनलोड कर सकते हो। तो दोस्तों, टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। दोस्तों, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में बता देना वीडियो कैसा लगा। तो दोस्तों, आप टेलीग्राम चैनल के अंदर ज्वाइन अवश्य हो जाना, क्योंकि टेलीग्राम चैनल के अंदर आपको फोटो वगैरह मिलता रहेगा और भी जो टेम्पलेट लाइट वगैरह मटेरियल वगैरह मैं टेलीग्राम चैनल के अंदर डालता रहता हूँ। दोस्तों, आज के स्टेट वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले क्या करना होगा, लाइट मोशन एप्लीकेशन को ओपन करना है। लाइट मोशन एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद में क्या करना होगा फ्रेंड्स, थोड़ा वेट करेंगे, तो वेट कर लेते हैं। तो इसको ओपन होने में थोड़ा प्रोसेस लेगा, ओपन होने देते हैं। ओपन होने के बाद में क्या करना होगा दोस्तों, वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको बिटमार्क एंड सेकीपैक दो प्रोजेक्ट का लिंक मिलेगा। तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा, सबसे पहले बिटमार्क वाले प्रोजेक्ट को इंपोर्ट कर लेना, फिर सेकीपैक वाले प्रोजेक्ट को इंपोर्ट कर लेना। उसके बाद में क्या करना होगा दोस्तों, आपको वीके एडिट बिटमार्क, वीके एडिट सेकीपैक, इस तरीके से दो प्रोजेक्ट ओपन हो जाएगा आपके। ओपन होने के बाद में क्या करना है, स्टेप बाई स्टेप बता देता हूँ दोस्तों। मैं मेरा मोबाइल का कर लेता हूँ ऑफ। तो दोस्तों, इतना करने के बाद में क्या करना होगा, आपको सबसे पहले क्या करना होगा, वीके एडिट सेकीपैक वाले प्रोजेक्ट को ओपन कर लेना। सेकीपैक्ट वाले प्रोजेक्ट को ओपन करने के बाद दोस्तों, सिंपल क्या करना है आपको, टोटल पूरी जो भी करना है सो में सिलेक्ट ऑल लोयर, सभी लोयर जितने भी मैंने लोयर लगा रखी है उन सारे लोयर को कॉपी कर लेंगे। इस तरीके से इस वाले आइकन पे करके कॉपी 18 लोयर कॉपी कर लेंगे, फिर बैक आ जाएंगे। बैक आने के बाद में क्या करना होगा दोस्तों, बिट मार्क वाले प्रोजेक्ट को ओपन करेंगे, फिर जो भी लोयर कॉपी किया था उन सभी को इस तरीके से पेस्ट कर लेंगे। इसी तरीके से दोस्तों, यहाँ पर देखो ये कम्प्लीटली हो जाएगा यहाँ तक। फिर इसके बाद में क्या करना होगा फ्रेंड्स, आपको इस तरीके से स्टेप बाई स्टेप थोड़ा आगे आ जाएंगे यहाँ तक। यहाँ तक आने के बाद में क्या करना होगा दोस्तों, इस वाले आइकन पे क्लिक करेंगे। इस वाले आइकन पे क्लिक करने के बाद में क्या करना होगा फ्रेंड्स, आपको इस वाले फोटो पे क्लिक करना है, इफेक्ट पे क्लिक करना है, थ्री डॉट पे क्लिक करना है, कॉपी इफेक्ट, इस तरीके से इस वाले इफेक्ट कॉपी कर लेंगे। फिर इस वाले आइकन पे क्लिक करेंगे, प्लस वाले आइकन पे क्लिक करेंगे, मीडिया में क्लिक करेंगे दोस्तों। स्टेप बाय स्टेप दोस्तों, जो भी मैं फोटो यूज़ कर रहा हूँ उस तरीके से आपको भी फोटो यूज़ कर लेना। फोटो यूज़ करने के बाद इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप उसको एक्स्ट्रा पार्ट को कट कर लेना है। फिर अगली वाली फोटो लेंगे, थ्री डॉट पर क्लिक करेंगे, फिर व्हील कंपोज्ड एरिया पर क्लिक करेंगे, एक्स्ट्रा पार्ट को कट कर लेंगे, फिर प्लस पे क्लिक करेंगे, मीडिया में क्लिक करेंगे, फिर अगले वाले फोटो ले लेंगे, थ्री डॉट पे क्लिक करेंगे, फील कंपोजिट एरिया एक्स्ट्रा पार्ट कट कर लेंगे। इस तरीके से दोस्तों, आपको स्टेप बाय स्टेप ऑल फोटो लगा लेनी, जिसे मैं लगा रहा हूँ उसी तरीके से सेम प्रोसेस के अंदर आपको भी फोटो लगा लेना है। प्लस वाले आइकन पर क्लिक करेंगे, मीडिया में क्लिक करेंगे, फिर अगले वाले फोटो ले लेंगे दोस्तों, ये वाले ले लेते हैं, थ्री डॉट पर क्लिक करेंगे, फील कंपोजिट एरिया एक्स्ट्रा पार्ट कट कर लेंगे। फिर प्लस वाले आइकन पर क्लिक करेंगे, मीडिया में क्लिक करेंगे, अगले वाले फोटो लेंगे, थ्री डॉट पर क्लिक करेंगे, फील कंपोजिट एरिया एक्स्ट्रा पार्ट कट कर लेंगे। फिर प्लस पे क्लिक करेंगे, मीडियम क्लिक करेंगे, अगले वाले फोटो लेंगे, थ्री डॉट पे क्लिक करेंगे, फील कंपोज एक्स्ट्रा पार्ट कर लेंगे। इतना करने के बाद दोस्तों, इस तरीके का स्टेट वीडियो क्रिएट हो जाएगा। अभी इतना करने के बाद दोस्तों, बैक आ जाएंगे। बैक आने के बाद में क्या करना है आपको, सेकंड वाले फोटो पे क्लिक करेंगे, इफेक्ट पे थ्री डॉट पे क्लिक करेंगे, पेस्ट इफेक्ट, इसे इफेक्ट लगाने के बाद में क्या करना दोस्तों, आपको चैनल नेम पे क्लिक करना है, जी एस को वाई कर लेना है। वाई करने के बाद दोस्तों, इस वाले इफेक्ट को वापस कॉपी कर लेंगे इस तरीके से, थ्री डॉट कॉपी इफेक्ट। फिर अगले वाले फोटो के अंदर आ जाएंगे, इफेक्ट पर क्लिक करेंगे, थ्री डॉट पर क्लिक करेंगे, पेस्ट इफेक्ट। फिर दोस्तों, उसी तरीके सेम प्रोसेस के अंदर अगले वाले फोटो पे क्लिक करेंगे, इफेक्ट, थ्री डॉट पे क्लिक करेंगे, पेस्ट इफेक्ट। इस तरीके से दोस्तों, स्टेप बाय स्टेप जो भी हमने अभी फोटो लगाई है उन सभी फोटो के अंदर इफेक्ट लगा लेंगे, पेस्ट इफेक्ट। फिर दोस्तों, आपको अगले वाले इफेक्ट पे थ्री डॉट पे क्लिक करेंगे, पेस्ट इफेक्ट। फिर प्लस वाले आइकन पे क्लिक करेंगे, इफेक्ट पे थ्री डॉट पे क्लिक करेंगे, पेस्ट इफेक्ट। फिर अगले वाले फोटो के अंदर क्लिक करेंगे, इफेक्ट पे थ्री डॉट पे क्लिक करेंगे, पेस्ट इफेक्ट। तो दोस्तों, जैसा आपने प्रीव्यू के अंदर वीडियो देखा था वैसा वीडियो कंप्लीटली बन चुका है दोस्तों। ज़्यादा टाइम भी नहीं लगाया क्योंकि मैंने सारा लोयर पहले कंप्लीट कर रखा था। तो इस तरीके से दोस्तों, ये सारा जो भी है ये आपको पूरा प्रोजेक्ट मिल जाएगा 18। तो इसी तरीके सेम प्रोसेस के अंदर कर लेना आपको। और दोस्तों, मान लो यहाँ पे इस फोटो के आप यहाँ पे अपनी फोटो लगाना चाहते हो, किस तरीके से लगाना है, कलर फील पे क्लिक करेंगे, इस वाले आइकन पे क्लिक करेंगे, फिर उसके बाद में क्या करना दोस्तों, जो भी आपको फोटो लेनी हो वो क्लिक करके प्लस वाले आइकन पे क्लिक करके आप फोटो इंपोर्ट हो जाएगी। तो दोस्तों, आज का लेटेस्ट वीडियो क्रिएट हो चुका है। मिलते हैं बहुत जल्द न्यू वीडियो के साथ में। तब तक के लिए वीडियो को शुरू से एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। राम राम।